एज ओल्ड क्वेश्चन, आईपैड या फिर एंड्रॉइड। ठीक है, शिमला में आज दिख रहे हैं क्रिएटरशेड, और एक तरफ है सैमसंग गैलेक्सी ए 10.5 इंच वाला और दूसरी तरफ है आईपैड 9.7 इंच वाला 2018 वाला वर्जन। कौन सा बेटर है, आपको कौन सा खरीदना चाहिए? वेल, इस वीडियो में यही बात करें। सबसे पहले तो डिज़ाइन देख लेते हैं। आईपैड का डिज़ाइन बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए से। डिज़ाइन के मामले में अपनी पूरी प्रेफरेंस होती है, किसी को मेटल फिनिश अच्छी लगती है, किसी को लेदर फिनिश अच्छी लगती है, किसी को प्लास्टिक बैग अच्छा लगता है। अगर मेरी प्रेफरेंस ली जाए तो मुझे मेटालिक फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मिनिमल सा डिज़ाइन है इसका। दूसरी तरफ सैमसंग को देखें तो इसमें सॉफ्ट टच प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो भी ठीक लगता है, मतलब फील अच्छी आती है, बट उतनी ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं देता है जितनी प्रीमियम फील आईपैड देता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम इतने अलग अलग है तो इनके फीचर्स भी अलग अलग होंगे। तो जहां पे आपको आईपैड में देखने को मिल जाता है मल्टी जेस्चर सपोर्ट, 5 फिंगर 4 फिंगर से और स्वाइप अप करके इस तरह के आपको मल्टी जेस्चर सपोर्ट मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ आपको एंड्रॉइड टैबलेट में वही सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको एंड्रॉइड फोन में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मल्टी टास्किंग के लिए ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, डुअल विंडो भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो अगर मेरी मानो तो जेस्चर्स इन आईपैड आर वे बेटर देन एंड्रॉइड टैबलेट, मतलब सैमसंग के टैबलेट। अपडेट्स के लिए iOS डिवाइस बहुत अच्छा माना गया है। iOS डिवाइसेस में आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे, चाहे उनका हाई एंड हो आईपैड प्रो हो, चाहे उनका लो एंड वाला कोई भी आईपैड मिनी या फिर कोई भी सेकंड थर्ड जनरेशन का कोई भी आईपैड हो। तो अपडेट के मामले में तो आप डेफिनेटली आईपैड को सिलेक्ट करो। जहां पे हम देखते हैं एंड्रॉइड वाले टैबलेट्स की बात करते हैं तो यार उसमें ना अपडेट्स में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर आप अभी देखो तो अभी हमारे पास एंड्रॉइड क्यू आने वाला है और अभी ही तक ये वाला जो टैबलेट है वो एंड्रॉयड ओरियो पे अटका हुआ है। तो अपडेट्स और नए नए फीचर्स के लिए आईपैड एज द बेस्ट चॉइस। अब आ जाते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो प्रोसेसर सैमसंग में स्नैपड्रैगन का 450 दिया गया है, जो कि काफी कम है एक टैबलेट के हिसाब से, बट पबजी ठीक ठाक चल पड़ती है इसमें, तो उसकी कोई दिक्कत बात नहीं है। लैग्स आएंगे, लैग्स आते ही है। दूसरी तरफ अगर आप आईपैड को देखो तो इसमें A10 का चिप डाला गया है, जो कि इनका लेटेस्ट है और जो पब्लिक बिल्कुल हाई एंड सिटीज में चला सकता है ढंग से। मैंने इसमें काफ़ी सारी ऐप्स डाली है, अडोबी की कुछ ऐप्स डाली है और बिल्कुल फ्लूड चलती है, फ्लूड मोशन में चलती है। मुझे अभी तक, मतलब मेरे पास आई थिंक ये 10-15 दिन हो गए हैं, मुझे अभी तक कोई लैग देखने को नहीं मिला इसमें, कोई मेजर लैग देखने को नहीं मिला इसमें। तो लैग्स वगैरह के मामले में तो यार आईपैड की तरफ। एक अच्छी बात सैमसंग टैब की है इसका डॉक। अगर आपने एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना है इसमें तो आप इसके डॉक पे लगा सकते हो और इसको एज अ काइंड ऑफ लैपटॉप यूज कर सकते हो इसको। अब मैं अपना रीजन बताता हूँ कि मैंने क्यों आईपैड लिया, मुझे क्या जरूरत पड़ती है एंटरटेनमेंट के लिए। वेल नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास अपना लैपटॉप है तो उससे ठीक से एंटरटेन कर सकता हूँ, उसमें एक स्क्रीन है LG की स्क्रीन है, तो एंटरटेनमेंट के मामले में नहीं है। प्लस मेरे पास 1+6 है तो एंटरटेनमेंट उससे हो जाता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं। कुछ लोग खरीद सकते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो उनके लिए भी ठीक है मतलब ये, बट मेरे लिए एक्चुअल में मैंने अपने ऐप पे काम करना होता है और मेरे पास हर वक्त अपना लैपटॉप नहीं होता है, तो उस वजह से मैं इसको कहीं पर भी ले जाता हूँ। इतना ज़्यादा पोर्टेबल, इतना ज़्यादा पतला है कि मैं इसको कहीं पर भी ले जा सकता हूँ और कहीं पर भी जाके मैं इसमें क्रोम का डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे उस चीज़ के लिए चाहिए था, क्योंकि मैं अगर फ़ोन में डेस्कटॉप मोड यूज़ कर रहा था क्रोम ब्राउज़र का तो इतना ज़्यादा फ्लूड नहीं चल रहा था और मैंने कोई भी डील वगैरह डालनी होती थी तो इमीडिएटली नहीं डाल पाता था। तो इसलिए मैंने अपनी सिर्फ ऐप के लिए ये आईपैड खरीदा है, दैट्स द रीज़न। सैमसंग टैबलेट या एंड्रॉयड टैबलेट इन जनरल क्यों नहीं लिया मैंने, इस चीज़ के लिए, उसमें भी तो क्रोम ब्राउज़र फुल चलता है। तो मेरा सेकंड रीज़न था इसके जेस्चर्स, तो इतने फ्लूड जैसे है, 5 फिंगर्स से आप स्वाइप करोगे तो आप ऐप स्विच कर सकते हो और नीचे से डाउन, मतलब वो जो जेस्चर्स है ना, जो जेस्चर्स की फील है ना, और इमीडिएटली जो होता है वो फ्लूड मोशन में जो होता है, उसके लिए मैंने ये आईपैड खरीदा। फॉर श्योर सैमसंग में बहुत ज़्यादा फीचर्स है, मतलब आपको 30,000 के अंदर क्या क्या चीज़ दे रहा है ये। 32 GB मेमोरी दे रहा है, 3 GB की रैम दे रहा है, ठीक है, 10.5 इंच की स्क्रीन दे रहा है आपको, जो कि काफ़ी बड़ी होती है यार, मतलब एक लैपटॉप की स्क्रीन होती है आई थिंक 11.5 इंच की, तो 10.5 इंच इज़ बिगर देन 9.7 इंच, जो मैं बोलना चाहता हूँ। फिर इसमें सिम सपोर्ट है और 4G वोल्टी का सपोर्ट है इसमें, तो आप इसमें कॉल्स वगैरह सुन सकते हो। 4 स्पीकर दिए गए हैं जो स्टीरियो डॉल्बी साउंड के साथ आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आईपैड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मेमोरी कार्ड के साथ एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी आप, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है काफ़ी लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं कि आईपैड बहुत ज़्यादा बेटर है एक एंड्रॉयड टैबलेट से, बट फिर भी मतलब जो उसकी जिस काम के लिए वो बनाया गया है ना, वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है वो।
आपने एंटरटेनमेंट करना है तो आराम से वीडियोस वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह मस्त देख सकते हो उसके ऊपर. आपने कुछ काम करना है फुल ब्राउजर का देखना है, जेस्चर्स देखने हैं, तो इन सारे कामों के लिए इट इज़ द बेस्ट चॉइस. और जो मैंने अपने अपने लिए बताया कि मैं क्या काम करता हूँ इसके लिए, तो मेरे लिए परफेक्ट है ये. मेरे लिए एंड्रॉयड टैबलेट थोड़ा सा मेरे को मतलब स्लो डाउन करता है. तो आई थिंक मैंने लॉजिकली समझाने की कोशिश की है आप लोगों को कि आपको एक आईपैड क्यों लेना चाहिए या एंड्रॉयड टैबलेट क्यों लेना चाहिए. एंड्रॉयड टैबलेट में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे 30,000 के अंडर, बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे. आईपैड में आपको कम फीचर्स मिल जाएंगे, बट जो उन जो जिस चीज़ के लिए वो फेमस है, उनके जेस्चर सपोर्ट के लिए, उनकी स्क्रीन के लिए, अब तो एप्पल पेंसिल सपोर्ट भी आ गया इस 2018 वाले वर्जन में, तो इन चीज़ों के लिए ना यार इट इज़ द परफेक्ट थिंग. बट अगर आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, आपने कीबोर्ड लगाना है उसके साथ, आपने मेमोरी कार्ड लगाना है उसमें, आपको 4 स्पीकर चाहिए, तो डेफिनेटली आप सैमसंग गैलेक्सी टैब A को कंसिडर कर सकते हो. आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप सैमसंग की तरफ जाओ, नहीं तो अगर आपको आपका कुछ स्पेसिफिक वर्क है जो सिर्फ आईपैड पे हो सकता है और जेस्चर्स कंट्रोल से हो सकता है, मल्टीटास्किंग आपने बहुत ज़्यादा करनी है अपने टैबलेट में, तो आप आईपैड की तरफ जाओ. सो ये था बस इस वीडियो के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी मार सकते हो. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यार, नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दो, घंटी भी आएगी उसको बाद उसको भी दबा देना. और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो भी चीज़ें पूछनी है मेरे पास, ये मेरा पर्सनल आईपैड है तो मेरे से जो भी चीज़ें इस आईपैड के बारे में पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, DM कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम हिमांशु शर्मा, नीचे भी आ रहा होगा यार. ओके ओके.